बेबी देखो तुम्हारे लिए क्या लाया। क्या लाया? पिंक टॉप, पिंक बैग। मॉल में ना सेल लगी थी और मुझे पता था तुम्हारा फेवरेट कलर तो पिंक ही है। किसने कह दिया मेरा फेवरेट कलर पिंक है? तेरे बोलो, लड़की हो तुम तो क्या? छी यार छी, सच हाँ हूँ मैं लड़की और नहीं है मेरा फेवरेट कलर पिंक। हाँ हूँ मैं लड़की और नहीं है मेरा रोमांटिक फिल्मों से कोई लिंक। हाँ नहीं शर्माती मैं बात बात पे, तो क्या प्रॉब्लम है अगर हूँ मैं थोड़ी डेयरिंग? हाँ फिर भी लड़की हूँ मैं। ये बातें कुछ ज्यादा जमी नहीं होंगी ना आप में से बहुतों को, क्योंकि लड़कियों का एक जो परसेप्शन है तुम्हारे दिमाग में वो तो सूट ही नहीं किया होगा। ऐसी लड़कियां कहाँ होती हैं? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से लड़की है तो फेवरेट कलर तो पिंक ही होगा, फेवरेट एक्टर शाहरुख खान होगा, रोमांटिक फिल्मों का क्रेज होगा, DDLJ कभी ना फेड होगा, खाने में चाइनीज तो मौसम में डेफिनेटली मॉनसून पसंद होगा। नहीं पिंक नहीं ब्लैक पसंद है मुझे, रोमांटिक नहीं एक्शन पसंद है मुझे, बारिश नहीं विंटर्स पसंद है मुझे, और फिर भी लड़की हूँ मैं। हाँ लड़की हूँ मैं, मतलब लड़की है तो ब्राइट कलर्स ही पहनेगी, बेबी पिंक, फूसिया पिंक, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब मैं कुछ भी पहनूँ यार, प्रॉब्लम क्या है? और तुम होते कौन हो डिसाइड करने वाले और कलर्स को जेंडर से मिलाने वाले? मतलब पिंक इज फॉर गर्ल्स, ब्लू इज फॉर बॉयज, क्यों भाई ऐसा क्यों? अगर गलती से कोई लड़का किसी दिन पिंक डाल लेना तो तुम तो उसकी ले लोगे, लड़की लग रहा है, फेमिनिन लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना? ये नजरिए की बात है, और अगर तुम्हारे दिमाग में ये कोई सोच है तो अपने दिमाग तक रखो ना, उसे दूसरों के दिमाग में क्यों डाल रहे हो? मतलब ये तो यूनिवर्सल वर्डिक्ट बना रखा है कि लड़की है तो आराम आराम से बात करनी चाहिए। कितना लाउड बोलती है, देखो कैसे बात कर रही है, कोई संस्कार ही नहीं है। अच्छा अब ये जजमेंटल सोसाइटी बताएगी मुझे मेरे संस्कार, और संस्कार पे बात आ कैसे जाती है यार? हाँ बोलती हूँ मैं लाउड, पिच लाउड है मेरी, और देती हूँ मैं गाली, दू सुनाऊ सुनोगे? मतलब कमाल है यार। और ये क्या है, मतलब ये तो जन्म से अधिकार बना रखा है लड़की का गॉसिप करना। लड़की इज इक्वल टू गॉसिप, गॉसिप इज इक्वल टू लड़की। नहीं पसंद है यार मुझे गॉसिप करना, हर लड़की को नहीं पसंद होता गॉसिप करना, और क्यों करें हम गॉसिप? मतलब ये तो आपने हम पे थोप रखा है कि लड़की है तो गॉसिप करेगी करेगी, नहीं पसंद मुझे। और ऐसी लड़कियां होती हैं, हाँ होती हैं। और नहीं पसंद मुझे घंटों फोन पे बेबी शोना बाबू कुछ पूछी पाई करने का, नहीं पसंद मुझे। हर लड़की नहीं होती यार इतनी चीजी। नहीं पसंद मुझे रोजेज और टेडी बेयर्स, मतलब कुछ देना ही है तो काम का दो ना, ये कुछ यूजफुल चीज दो। ये क्या है, अब कल की बात ले लो, लड़का आया मेरे पास प्रपोजल के नाम पे पिंक टेडी बेयर लेके और कहता बेबी आई लव यू टिल मून एंड बैक। अच्छा अब ये जाएंगे मुझे चांद पे लेके और फिर वापस भी आएंगे, वाह, मतलब कुछ भी कुछ भी। और ये तो छोड़ो, लोग आके आपको अपने हिसाब से, माइंड यू, अपने हिसाब से फ्री के एडवाइसेस और सजेशंस देंगे। आफ्टर ऑल मुफ्त की एडवाइस देने में कभी कोई पीछे रहा है? बाल क्यों नहीं बढ़ा लेती, इतने छोटे छोटे बाल कर रखे हैं तूने, बड़े बाल ना सूट करेंगे, मैं बता रही हूँ बड़े बाल ना तेरे पे बहुत सूट करेंगे, बाल बढ़ा ले। ओ गॉड, मतलब छोटे बाल है तो जीना ही आराम कर रखा है, नहीं बढ़ाने यार मुझे बाल, क्यों बढ़ाऊं मैं बाल, और वैसे भी दिल्ली में इतनी गर्मी है यार, कौन बढ़ाएगा बाल? अच्छा बालों तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ तो बात सीधा शादी पे पहुंच जाती है। मतलब लड़की 23 की हुई नहीं कि उसकी शादी करा दो, शादी करने के लिए तो वो पैदा हुई है, शादी करना तो उसके बचपन का सपना है, नहीं चाइल्डहुड फैंटेसी है उसकी, और शादी तक तो फिर भी ठीक है। यहाँ तो लहंगों को लेके भी स्टीरियोटाइप्स होते हैं, अगर लड़की है तो डेफिनेटली मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनना चाहती होगी, नहीं वो तो उसका ड्रीम लहंगा होगा। नहीं चाहती यार हर लड़की मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनना, नहीं चाहती मैं लहंगा पहनना, मतलब मुझे लहंगे से मतलब है या टैग से? अब आपके हिसाब से तो ये नॉर्मल ही नहीं होगा, ऐसी लड़कियां कहाँ होती हैं? होती हैं, हाँ लड़की हूँ मैं। मतलब मेरे जैसे लोगों को तो ना ये सोसाइटी जीने ही ना दे चैन से, इतना जज कि पूछो ही मत। मतलब ऐसे कैसे बात कर रही है, कोई बात करने का तरीका है, कैसे कर रही है, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, क्या बोल रही है, इसको क्या कह रही है, उसको क्या कह रही है, कैसे बैठी है। ऐसा है मैं तो ऐसी बैठूंगी, कर लो जो करना है, मेरी मर्जी यार, मैं जैसे मर्जी बैठूं, जो मर्जी खाऊं, जो मर्जी बोलूं, जो मर्जी करूं, और बस अब मुझे और नहीं बोलना, मेरी मर्जी, जाओ यार। अब आप बताओ कमेंट्स में ऐसी लड़कियां होती है कि नहीं होती है, नॉर्मल है कि नहीं, क्या मैं अब नॉर्मल हूँ? कमेंट्स में बता देना।